डायनासोर, जिसका अर्थ यूनानी भाषा में बड़ी छिपकली होता है, जिसे धरती पर ज्ञात सभी जीवों से ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली जीव माना गया है। इस जीव ने धरती पर लगभग 16 करोड़ सालों तक राज किया, जो ट्रायसिक काल के अंत से लेकर क्रिटेशियस काल के अंत तक अस्तित्व में रहे। इसके बाद ये धरती से विलुप्त हो गए। पैलियोंटोलॉजिस्ट ने डायनासोर के अब तक 1000 से भी ज्यादा स्पीसीज की पहचान की है और इनके अवशेष पृथ्वी के हर महाद्वीप पर पाए गए हैं, जिनमें से कुछ डायनासोर शाकाहारी तो कुछ मांसाहारी होते थे। हालांकि डायनासोर को आमतौर पर उनके बड़े आकार के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ प्रजातियां काफी छोटे भी हुआ करते थे। लेकिन सभी डायनासोर में टीरेक्स को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है और इस शिकारी को प्रसिद्ध इनकी कई खूबियां बनाती है। टीरेक्स को टायरानोसोरस रेक्स के नाम से भी जाना जाता है, जो अपने विकसित रूप में 40 से 45 फीट तक बढ़ सकते थे। वहीं जमीन से सिर तक इसकी ऊंचाई करीब 17 फीट तक होती थी और ये करीब 14 टन तक भारी हो सकते थे। इस जीव का सिर काफी बड़े साइज का होता था, साथ ही इसके 60 शक्तिशाली दांत पाए जाते थे और इस शिकारी की बाइट फोर्स 6 से 8 टन तक होती थी। इस शिकारी की गर्दन काफी मोटी और मस्क्यूलर होती थी और इसके दो छोटे फॉरलिम्स पाए जाते थे, जो युद्ध में इनकी काफी मदद करते थे। ये भारी भरकम होने के बावजूद भी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकते थे। टीरेक्स की नजर काफी तेज होती थी, जो रात में भी किसी जीवों की गर्मी से उसे देख सकता था, यानी इसमें थर्मल विजन की भी क्षमता मौजूद थी। और इतने खूबियों के कारण ये छोटे से बड़े सभी डायनासोर को अपना आहार बना लिया करते थे। पर 65 मिलियन सालों पहले इसने इस धरती को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। पर हम कई बार कल्पना में टीरेक्स के साथ कई जीवों को लड़वा चुके हैं और हर बार हमें टीरेक्स कभी निराश नहीं करता। पर जुरासिक वर्ल्ड के 5 साल के हाइब्रिड डायनासोर इंडोमाइनस रेक्स ने काफी तगड़ा टक्कर दिया था, पर मोसासोरस की वजह से ये लड़ाई अधूरी रह गई थी। तो आज के इस वीडियो में हम इसकी पूरी फाइट देखने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। आयरेक्स का पूरा नाम इंडोमाइनस रेक्स है, जिसे कई डायनासोर के डीएनए से तैयार किया गया था। जुरासिक पार्क विकी के अनुसार एक पूर्ण रूप से विकसित आयरेक्स की लंबाई 50 फीट, ऊंचाई 20 फीट और वजन 8 से 9 टन तक हो सकता था। इस शिकारी की बाइट फोर्स 4 से 5 टन तक हो सकती थी और इसके फोर लिम्स टीरेक्स के मुकाबले ज्यादा बड़े और नुकीले क्लोज हुआ करते थे। इसकी शारीरिक बनावट काफी डिफेंसिव थी, मानो ये युद्ध के लिए ही तैयार हुआ हो। पर इसे अलग इसकी इंटेलिजेंस और छिपने की कला बनाती थी। साथ ही ये टीरेक्स के लगभग 2 गुना रफ्तार से भाग सकते थे और ये दैत्य भी किसी भी जीवों को अपना आहार बना लिया करते थे। तो कभी भी टीरेक्स और आयरेक्स के बीच फाइट होती तो हमेशा टीरेक्स ही पहला अटैक करता, क्योंकि ये काफी अग्रेसिव होते हैं। पर आयरेक्स इस वार को झेल लेता और टीरेक्स को अपने नुकीले क्लॉज से उसे चोट पहुंचाता। इसके जवाब में टीरेक्स उसे अपनी 8 टन बाइट फोर्स से फिर से हमला करता, जिससे आयरेक्स को काफी चोट पहुंचती। और उसके बाद आयरेक्स अपनी बुद्धि से लड़ाई करने की सोचता और वो कैमोफ्लाज हो जाता। पर ये चाल टीरेक्स के सामने काम नहीं आती, क्योंकि टीरेक्स अपनी थर्मल विजन का इस्तेमाल कर उसे पहचान लेता। पर आयरेक्स अपनी रफ्तार का इस्तेमाल कर टीरेक्स को काफी हद तक थका सकता था और उसे पीछे से हमला कर टीरेक्स को गिराने की कोशिश करता, क्योंकि टीरेक्स में संतुलन की कमी होती थी, तो इसकी कमी को आयरेक्स बहुत ही जल्दी पहचान लेता और मौके का फायदा उठाता। और जुरासिक वर्ल्ड के अनुसार देखा जाए तो आयरेक्स इस लड़ाई में विनर होगा। पर मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि थोड़ी देर से ही सही, पर टीरेक्स इस लड़ाई का असली विनर होता। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताना ना भूलें।